थैंक यू सर। सर वेट वेट थैंक यू बोलू क्या excited every time I watch anything to do with remotely associated with my industry which is obviously acting this is a different medium I'm you know a film actor I've done television as well but this is theater which is I believe the foundation of all acting and it's great to see one of my colleagues Manisha stepping onto the stage and you know we're here to support the arts and our colleagues so I'm hoping everyone enjoys and continues to support it seems to be a full house today so I'm really glad that people are supporting the arts and theater in particular dekhiye hum filmon ke andar aksar alag alag kirdar nibhate hain aur Manisha ne apne career mein bahut sare kirdar nibhaye hain to shayad unko obviously already experience hai lekin ek hi bar ek stage pe ek manch pe दो ढाई तीन घंटे के अंदर 13 अलग कैरेक्टर्स निभाना बहुत मुश्किल काम है सो हैट्स ऑफ टू हर फॉर पिकिंग समथिंग लाइक दिस एज हर फर्स्ट पहली बार वो स्टेज पे उतर रही हैं तो हैट्स ऑफ टू हर वेरी करेजियस वेरी ब्रेव एंड आई एम श्योर शी विल डू वेरी वेल ये प्लेज के जो प्रोड्यूसर है अश्विन किरबानी और रायल पदम सिंह जो ऑब्वियसली बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं उन्होंने अक्सर मुझे अप्रोच किया है लेकिन बिकॉज ऑफ शेड्यूल्स एंड थिंग्स आई एम नॉट बीन एबल टू टेक द टाइम आउट क्योंकि थिएटर में आपको डेडिकेट करना पड़ता है अ लॉट ऑफ टाइम इन अ फ्यू मंथ्स टू रिहर्सल्स एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद जो शोज होते हैं यू गो ऑन द रोड सो यू नीड टू हैव अ फ्यू मंथ्स टू डू दैट सो इट्स डेफिनेटली ऑन माई एजेंडा मुझे करना है बिकॉज नॉट ओनली विल इट बी अ डिफरेंट मीडियम फॉर मी बट इट विल हेल्प मी होन माई आर्ट और मेरी एक्टिंग स्किल्स जो है इससे डेफिनेटली बढ़ जाएंगे सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग इट वेरी सून थैंक यू वेरी मच फोटो कहते नहीं आप